Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं मोहन भागवत को लेकर। जी हां, मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम भेदभाव के लिए ब्रिटिश जिम्मेवार है। उनका कहना है ये, उन्होंने कहा कि हम हमेशा एक रहे हैं। 1857 से पहले देश में हिंदू मुस्लिम के बीच एकता थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच कभी भेदभाव नहीं था, दोनों में हमेशा से ही एकता रही है। लेकिन अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ भेदभाव को बढ़ावा दिया। वह बनारस में आयोजित संघ की समन्वय बैठक के आखिरी दिन बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हम हमेशा से एक रहे हैं। 1857 से पहले देश में हिंदू मुस्लिम के बीच एकता थी, लेकिन अंग्रेजों ने 1905 में मुस्लिम लीग स्थापित किया और समाज में कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया, कट्टरता को बढ़ावा दिया। वही लोग अब यह काम कर रहे हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि लोगों को भारत में विद्रोह फैलाने वाली ताकतों से सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत की बढ़ रही प्रतिष्ठा और विकास पर जो लोग खुश नहीं है, वह गलत इतिहास बताकर समाज में नफरत फैला रहे। भागवत ने कहा कि भारत में इस खराब काम के मुकाबले 20 गुना अधिक अच्छे कार्य हो रहे हैं, लेकिन अच्छे काम की चर्चा से अधिक खराब चर्चा जो हो रही है वो बुरे कामों की हो रही है। जी हाँ, सीधा सीधा उन्होंने विपक्षी पार्टी पर आरोप लगाया। विपक्षी पार्टी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने साफ कहा कि विद्रोह फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता समझदार है और जनता इस बात को समझे कि वो इस बहकावे में ना आए। जिस तरह से भड़काने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने कहा कि ये इस तरह का जो भड़काना है वो दोबारा से शुरू हो गया, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ जानती है और वक्त रहते जनता को समझ जाना चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं कि मोहन भागवत इससे पहले भी सेना के बयान को लेकर चर्चाओं में थे। सेना को लेकर मोहन भागवत के बयान से कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता काफी परेशान हो गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सुर्खियों में था। आपको बता दूं, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि संघ के कार्यकर्ता का अनुशासन और क्षमता भारतीय सेना के सैनिकों के बराबर है। यह भी कि अगर देश को जरूरत पड़ी और संविधान इजाजत दे तो संघ के कार्यकर्ता केवल 3 दिन में सैनिक बनकर तैयार हो सकते हैं। मोहन भागवत के इस बयान को लेकर विवाद हो गया था। विपक्ष इस बात को लेकर लगातार निशाना साध रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि मोहन भागवत ने भारतीय सेना और उसके शहीदों का अपमान किया है। आपको बता दूं कि इस तरह के सवाल किए जा रहे थे, क्या संघ खुद को और अपने कार्यकर्ताओं को भारतीय सेना के बराबर मानता है। मामला बिगड़ता देख संघ और उसके अन्य वैचारिक सहयोगियों को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत के बयान को गलत तरीके से लिया गया है। उनके मुताबिक भागवत के बयान का मतलब ये नहीं था कि सेना को युद्ध के लिए तैयार होने में 6-7 महीने लगेंगे, बल्कि यह था कि समाज को युद्ध के लिए तैयार करने में सेना को 6-7 महीने लगेंगे, जबकि संघ के स्वयंसेवक को केवल 3 दिन में युद्ध के लिए तैयार किया जा सकता है, क्योंकि वो अनुशासन से जीवन जीते हैं। संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख डॉक्टर मनमोहन वैद्य का कहना था कि मोहन भागवत जी के वक्तव्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था, यह सेना के साथ तुलना नहीं थी। तो देखा आपने कि हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि सेना के बयान अपना जो बयान दिया था सेना को लेकर, उस वक्त भी वो चर्चाओं में था और एक बार फिर चर्चाओं में। अगर रिपोर्ट्स की तरफ रुख कर लेते तो मोहन भागवत ने कहा कि कोई भी पंथ समुदाय या व्यक्ति अगर समाज की सेवा लगा है उसका प्रचार और मदद करनी चाहिए। संघ इन समाज सेवी लोगों से निरंतर संपर्क में रहे और एक दूसरे के पूरक बने। समाज में बहुत से लोग प्रामाणिकता के साथ समाज में कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों की मेहनत से ही श्रेष्ठ समाज बनेगा। समाज की सेवा करने वाले सच्चे लोग अपनी सेवा को भुनाते नहीं है तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, ऐसे में मेहनत में ही समाज में अच्छा कार्य होता है, ये कहना है उनका।
लेकिन जिस तरह की उन्होंने अपनी बात रखी, और आपको मैं बता दूं कि मोहन भागवत ने जो है इससे पहले जब सेना को लेकर बयान दिया था उस वक्त उमा भारती ने उनका स्टैंड लिया था, और उमा भारती ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं कहे मोहन भागवत ने, लेकिन बीजेपी में उनके इस बयान से काफी हो हल्ला हो गया था, घमासान मच गया था, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी इस मामले पर बोलने से बच रहे थे। जी हाँ, आपको मैं अपनी इस खास रिपोर्ट में दिखाता हूँ किस तरह से उमा भारती ने मोहन भागवत का स्टैंड लिया था। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने मोहन भागवत के उस बयान का बचाव करते हुए अपना बयान दिया, जिसमें मोहन भागवत ने बिहार के मुजफ्फरपुर में कहा था कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हो गई और संविधान इजाजत दे तो स्वयं सेवक मोर्चे पर जाने को तैयार है। जिस आर्मी को तैयार करने में 6-7 महीने लगते हैं, संघ उन सैनिकों को 3 दिन में तैयार कर देगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के विवादित बयान से शुरू हुई राजनीति में मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी कूद पड़ी थी। उमा ने भागवत के बयान का बचाव करते हुए कहा कि आजादी के बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस से मदद मांगी थी और स्वयं सेवक मदद करने के लिए पहुंचे भी थे। उमा ने सीधी तौर पर मोहन भागवत के विवाद बयान पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उमा ने अपनी बात में ये कहा कि जब कश्मीर रियासत के महाराज हरि जय सिंह कश्मीर के भारत में विलय की संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे तो शेख अब्दुल्ला ने उन पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया था। ये बयान उमा भारती ने भोपाल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा था। उमा ने कहा कि जब नेहरू मुश्किल में फंसे हुए थे और पाकिस्तान की तरफ से अचानक हमला कर दिया गया और उनके सैनिक उधमपुर की तरफ से बढ़ते जा रहे थे, उस वक्त हमारी सेना के पास इतने आधुनिक संसाधन नहीं थे कि वहां तक पहुंचकर ऐसी स्थिति को संभाल सके। उमा ने कहा उस समय नेहरू जी ने गुरु गोलवलकर आरएसएस के स्वयंसेवकों की मदद मांगी, आरएसएस स्वयंसेवक मदद के लिए जम्मू कश्मीर गए थे। तो देखा आपने कि मोहन भागवत का स्टैंड लिया था उमा भारती ने, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से मोहन भागवत के बयान को इतना राजनीतिक माहौल दिया गया और खुद पीएम मोदी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी इस बात से खुश नहीं थे कि मोहन भागवत ने ऐसा बयान दिया, तो कहीं ना कहीं जिस तरह की एक अलग ही रणनीति यहाँ पे देखने को मिली थी कि मोहन भागवत अपने बयान को लेकर चर्चाओं में थे। हालांकि ये मामला जो है विपक्ष ने भी उठाया था, लेकिन अब मामला धीरे धीरे जो है शांत हो गया था, लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने खुद इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो अमित शाह खुद मोहन भागवत की जो बात थे उसको उस पर स्टैंड नहीं लिया उन्होंने और ना ही उन्होंने इस मामले पर कोई टिप्पणी की। हालांकि अगर मोहन भागवत की बात करूँ तो मोहन भागवत जो है समय समय पर जनसभा करते रहते हैं और मैसेज देते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि मोहन भागवत जो है उनके बयान से बीजेपी नाराज है और बीजेपी के नेता इस बात से कन्नी भी काट रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्या कहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मोहन भागवत को लेकर इतना हो हल्ला किया गया, उनके बयान को लेकर हो हल्ला किया गया, ये सब चीजें दर्शाता है कि बीजेपी ने खुद इस पे स्टैंड नहीं लिया, लेकिन उमा भारती ने उनकी बातों को स्टैंड लिया और उसको बखूबी अपने तरह से अदा किया। लेकिन देखने वाली बात तो ये रहेगी कि जिस तरह से मोहन भागवत ने ये कहा है कि हिंदू और मुस्लिम भेदभाव के लिए, बिल्कुल देखिए सही बोला है मोहन भागवत ने कहीं ना कहीं, क्योंकि हमेशा से भारत में सभी समाज के लोग सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन अगर इन्हें तोड़ने की कोशिश की जाती है तो कहीं ना कहीं जनता को भी समझना चाहिए कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो इन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।